और अब बात महाराष्ट्र के भंडारा की। भंडारा में 10 नवजात की झुलसकर मौत ने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया और इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो वहीं आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भंडारा के पीड़ितों से मिलने जाएंगे और इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन से लेकर प्रशासन सबको कटघरे में खड़ा किया है। भंडारा पहुंचेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। दस नवजात की कल जलकर हुई थी मौत। तीन दिन में रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। जरा सोचिए इन माओं पर क्या गुजर रही होगी। अभी इन्होंने ढंग से अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखा था। कई बच्चे तो ऐसे भी थे जो एक दिन पहले ही पैदा हुए थे और काल के गाल में समा गए। नवजात वार्ड में इन जैसी 17 माओं के बच्चे भर्ती थे, तभी अचानक उस वार्ड में कल देर रात आग लग गई। 10 मासूमों की झुलसकर मौत हो गई और 7 को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं, आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के काम में जुटी, लेकिन 17 में से 10 मासूमों को बचाया नहीं जा सका। पूरे बिल्डिंग में धुआं धुआं ही हो गया था, धुएं की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। 7 लोगों बच्चों को कैसे निकाला? फायर फाइटर के लोग हैं, कैसे चढ़े, कैसे निकाला? ये यहाँ से सर, यहाँ लगाया गाड़ी, यहाँ एक लैडर लगाए, वहाँ से जो लाइट लगाए, वहाँ सिक्योरिटी थे, हमारे आदमी थे, वहाँ से डिलीवरी बच्चों को यहाँ के हाथ से और वहाँ से नीचे से सब लोग यहाँ थे, उनसे निकाल के यहाँ उनको परिचर के पास में हमने दिए और यहाँ से बेचारे वो आईसीयू में दूसरे एसी रूम में उनको लेके गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और आज वो भंडारा पहुंचने वाले हैं। भंडारा पहुंचकर वे सरकारी अस्पताल का दौरा करेंगे, पीड़ितों का हाल जानेंगे, तड़पती माओं के आंसू पोंछेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसी बड़ी घटना होने के बाद ही सरकार और प्रशासन की नींद क्यों खुलती है? ऐसी दर्दनाक घटना के बाद ही सेफ्टी ऑडिट के निर्देश क्यों दिए जाते हैं? क्या केवल मुआवजे का मरहम लगाने भर से, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भर से और 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड भर कर देने से प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? भंडारा में जो दुर्घटना घटी है ये बहुत ही दुर्दैवी घटना है, ये दिल दहलाने वाली ऐसी घटना है। उसकी उच्च स्तरीय चौकसी करने के आदेश राज्य शासन ने दिए हैं। नेशनल फायर कॉलेज के जो तज्ञ लोग वो भी यहाँ पे आए। सूबे के गृह मंत्री ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो वहीं बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक चिट्ठी के जरिए अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी। में आए हैं, हमने पूरा जायजा वहां पर लिया है और बिल्कुल ध्यान में आता है कि इसमें बड़े पैमाने पर ह्यूमन एरर भी है, क्योंकि इतना बड़ा एनआईसीयू वहाँ पर तैयार हुआ लेकिन वहाँ पर फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये मेरे पास कागज़ मुझे यहाँ पर मिला है जिसमें 12 मई को 2020 को इसका प्रस्ताव गया है कि यहाँ पर फायर सेफ्टी मेजर्स किए जाने चाहिए, लेकिन वो केवल प्रस्ताव गया और पड़ा रहा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो कार्रवाई होती तो शायद ये 10 बच्चे इस प्रकार से हमारे में से नहीं चल बसते। इस हादसे का कसूरवार कौन है? कौन है जिसने इतनी बड़ी आपदा की आहट को सुनकर भी अनसुना कर दिया? कौन है जिसके गैर जिम्मेदार रवैये से आज 10 परिवारों के चिराग बुझ गए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या भंडारा हादसे के बाद भी कोई सबक लिया जाएगा? योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, भंडारा, महाराष्ट्र।
आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।